लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। इससे ओडिशा व छत्तीसगढ़ में बारिश होने की आसार। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना समेत बिहार के तराई क्षेत्रों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश होने की आसार है, लेकिन में मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम पूर्वानुमानकर्ता स्काईमेट ने शनिवार को अपनी रिपोर्ट में बोला कि ओडिशा व पश्चिम बंगाल पर बना चक्रवाती सिस्टम व सशक्त होकर अब निम्न दबाव के एरिया में तब्दील हो गया है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ के पास एक चक्रवाती सिस्टम बना हुआ है, इससे ओडिशा व छत्तीसगढ़ में बारिश होने की आसार है। इसके अतिरिक्त विदर्भ, मराठवाड़ा व दक्षिणी मध्य प्रदेश, तेलंगाना व उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी मध्यम से भारी बारिश जारी रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान मध्यम से भारी बारिश हुई। स्काईमेट ने बोला कि अगले 24 घंटों में विदर्भ, मराठवाड़ा व पश्चिमी तट के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, उत्तरी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पूर्वोत्तर राज्यों व बिहार के तराई वाले स्थानों में मध्यम से भारी बारिश होने की आसार है। दक्षिण गुजरात, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के बाकी बचे हिस्सों, झारखंड, पश्चिम बंगाल, रायलसीमा, कर्नाटक व पश्चिमी तमिलनाडु में मध्यम बारिश हो सकती है। पिछले 24 घंटों के दौरान विदर्भ, मध्य प्रदेश, दक्षिण कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक व छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हुई। शेष पश्चिमी तट, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश व शेष मध्य प्रदेश में भी मध्यम से भारी बारिश जारी है। दक्षिण गुजरात, आंतरिक कर्नाटक, पश्चिमी तमिलनाडु, ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्यों व यूपी के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। उत्तर की पहाड़ियों समेत उत्तर पश्चिमी हिंदुस्तान में मौसम मुख्य रूप से शुष्क रहा।